आज और एक सिंपल सा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मशरूम पास्ता। पास्ता बच्चों को बहुत पसंद होता है और पास्ता के साथ हम कई सारे वेजीज बच्चों को खिला सकते हैं। तो आज सिंपली मैं मशरूम के साथ बना रही हूँ। मशरूम बहुत ही हेल्दी होती है, तो चलिए सिंपल सा रेसिपी शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल फन विद कुकिंग। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। मैं यह स्पाइरल पास्ता लिया। पास्ता को नमक के साथ अच्छी तरह से पानी में बॉईल कर लिया एंड उसके बाद पानी को ड्रेन आउट कर दिया और ठंडा पानी में अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया और थोड़ा सा तेल इसके ऊपर स्प्रिंकल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जिससे एक दूसरे से ये चिपके ना। 5-6 मोटे मोटे लहसुन लिया। उसके बाद इसे अच्छी तरह से क्रश करके रखी हूँ मैं। मशरूम के साथ लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। एक मीडियम साइज प्याज को भी पतला पतला स्लाइस कर लिया। एक छोटे टोमेटो को भी मैंने स्लाइस कर लिया। आप चाहो तो टोमेटो प्यूरी भी यूज कर सकते हो। और यहाँ मैंने बटन मशरूम लिया। आपके एरिया में जो भी मशरूम अवेलेबल है आप उसको ले सकते हो। अच्छी तरह से धो के मैं इसको साफ कर लिया। ग्रेटर का मोटे वाला हिस्सा से मैं मशरूम को ग्रेट कर लिया। आप चाहो तो बिल्कुल ही पतला स्लाइस करके काट भी सकते हो। कढ़ाई में मैं थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाल दिया। आप इस डिश को बटर में भी बना सकते हो। थोड़ा सा जीरा डाल दिया। तेल और जीरा को अच्छी तरह से गर्म होने देती हूँ। जीरा मेरा बन चुका है। अब जो लहसुन को मैं क्रश करके रखी थी उसे डाल दिया और लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ जब तक इसका कच्चा स्मेल ना चला जाए। लहसुन मेरा ऑलमोस्ट बन गया है। प्याज को डाल दिया। अब दोनों को साथ में ही फ्राई करती हूँ। लहसुन का जितना कसर बाकी रह गया वो भी प्याज के साथ ही पूरा हो जाएगा। कवर कर देती हूँ जिससे प्याज जल्दी पक जाए। प्याज और लहसुन मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब टमाटर को डाल देती हूँ। साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता की जगह आप पार्सली यूज कर सकते हो अगर पार्सली आपके पास अवेलेबल है तो। मिक्स कर लेती हूँ और कढ़ाई को फिर से और एक बार कवर करके इसे कुक करती हूँ जिससे टमाटो अच्छी तरह से गल जाए। टमाटो भी मेरा अच्छी तरह से गल गया है। अब इस स्टेज में जो मशरूम को मैं ग्रेट करके रखी थी मशरूम को डाल देती हूँ। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और फ्लेम को बिल्कुल लो करके कवर कर देती हूँ और मशरूम को अपने मॉइस्चर में पकने देती हूँ। मशरूम काफ़ी पानी रिलीज़ किया है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है मशरूम में और ये अपने मॉइस्चर में बहुत ही इजीली कुक हो जाते हैं। अब थोड़ा सा ड्राई पाउडर मसाला मिलाते हैं। नमक अंदाज से, क्योंकि पास्ता में ऑलरेडी नमक है। कुछ सॉस वगैरह भी डालूंगी मैं यहाँ तो उसमें भी नमक होगा, तो नमक ध्यान से डालना है। और पाउडर मसाला में मैं यहाँ चिकन मसाला डाल रही हूँ। आप चाहो तो तंदूरी मसाला डाल सकते हो। जो रेडीमेड मैगी मसाला मिलता है उसको भी डाल सकते हो, या तो मार्केट में पास्ता मसाला भी मिलती है उसको भी डाल सकते हो। मिक्स कर लेती हूँ। कवर करके फिर से इसे 2-3 मिनट पका लेती हूँ। तब तक मशरूम पक भी जाएगी और एक्स्ट्रा जो पानी है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। और एक बार लीड खोल के चेक कर लेती हूँ। मशरूम मेरा कुक हो गया है पर अभी काफ़ी मॉइस्चर इसके अंदर है तो मैं फ्लेम को हाई कर देती हूँ। टोमेटो कैचअप डाल देती हूँ 2 चम्मच। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। और थोड़ा सा डार्क सोया सॉस। मिक्स कर लेती हूँ। फ्लेम मेरा इस समय हाई है। अब बॉईल किया हुआ पास्ता को डाल के अच्छी तरह से टॉस कर लेती हूँ। इस समय आप चाहो तो थोड़ा सा बटर डाल सकते हो। पास्ता मेरा ऑलमोस्ट टॉस हो गया है। गैस बंद कर देती हूँ और इसे स्टार्ट कर लेती हूँ। मेरा मशरूम पास्ता बन के तैयार है। बहुत ही इजी वे में मैंने बनाया और बहुत ही हेल्दी है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए। होममेड सिंपल रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड करती हूँ। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर कीजिएगा। न्यू फ्रेंड्स के पास मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज यहाँ तक ही। मिलते हैं कोई और एक नया होममेड रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। हैव ए गुड डे।